इसको वर्सन कर रहा था. सो क्वेश्चन इज कि अगर मैंने वजन 15-20 किलो हटा दिया तो मेरी मशीन हट जाएगी. आई डोंट नो बट क्या होगा, सिवेरिटी कम हो जाएगी बीमारी 100%. आई मीन दैट वी नो एवरी 5 kg डाउन इन योर वेट योर एपनिया इंडेक्स जो वो मापते हैं वो नीचे आने शुरू हो जाते. इज अ थर्ड फैक्टर. सिंपल शब्दों में हमारा कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग. अब कोई इंसान को अगर 10 दफा सांस रुकता है 1 घंटे में उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा. किसी को 20-25 दफा भी रुक रहा है फिर भी सिम्टम्स नहीं. ये क्यों है वी डोंट नो. दिस वी आर स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट. किसी इंसान की नींद रात में करीबन 50 दफा टूटती, किसी की नींद टूटती नहीं. तो ये है अपना ही अंदर का अगेन मेकअप कि हमारी ब्रीदिंग कैसे चलती है, क्या हमें उठाता है, क्या हमें सुलाता है. इट इज अ वेरी यूनिक एंड एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. सो दिस इज इवन हार्डर टू अंडरस्टैंड. और वी आर स्टिल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि कितनी ऑक्सीजन लेवल पे किस बंदे की नींद टूट जाती है किसकी नहीं टूटती. सो वॉट वी आर सेइंग इज वी डेफिनेटली हैव टू वर्क ऑन फैक्टर्स विच आर वर्सनिंग इट बट सम फैक्टर्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल. तो सारा टाइम हमें ये भी सवाल आता है कि अगर अभी मैं मशीन नहीं यूज करता, मैं 20 किलो यूज करके कम आ जाऊं लूज करके आ जाऊं तो मेरी हट जाएगी. सो वी ऑनेस्ट आंसर इज वी डोंट नो. फिर मेरे को पूछते हैं कि आपकी इतनी तजुर्बे में कितने लोगों की हट गई. मे बी इन दिस पता नहीं 15-20 साल में शायद 2-3. बिकॉज क्या है कि द लॉट ऑफ फैक्टर्स. सी नाउ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ मेडिसिन इज मूविंग टू समथिंग कॉल्ड एज पर्सनलाइज्ड मेडिसिन. ईच इंडिविजुअल को हमने अलग देखा. सारे ओबेस लोगों को उसकी एपनिया नहीं है, ठीक है ना. मे बी 70% को है पर 30% को नहीं है. तो क्यों नहीं है वी डोंट नो. बनावट से ऐसे कैसे होता है स्ट्रक्चर ऑफ योर जॉइंट. सो वी कैन वी हैव मेजरमेंट्स एंड पैरामीटर्स टू मेजर कि दांतों का कैसे होना चाहिए, अक्लूजन बोलते हैं, लोअर जॉ को कितना बड़ा होना चाहिए एटसेट्रा. तो क्या होता है कि अगर किसी की सिवियरिटी कम हो जाए तो वी कैन मूव टू अदर मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट. तो सिवियर ओएसए का अब तक जो इलाज है वो सीपैप मशीन है. जो माइल्ड है उनको देर आर सम करेक्टिव डेंटल सर्जरीज डेंटल डिवाइसेस वगैरह जो काम कर सकते हैं. बट वो कहां पे होंगी कैसे होंगी ना सेपरेट डिसीजन. तो वो हो सकता है वो हो सकता है. सो फर्स्ट एम इज टू मूव फ्रॉम सिवियर टू माइल्ड. देन व्हेन यू कम टू माइल्ड देन वी सी कि ओके कैन वी डू एनीथिंग विद अ परमानेंट. देन वी कैन वी ऑल्सो नो टू मोर थिंग्स के जिन लोगों को मॉडरेट एपनिया है, मतलब मॉडरेट कैसे बोलते हैं वो एक नंबर है और सिवियर है, उनका रिस्क हेल्थ को बहुत ज्यादा है. माइल्ड वालों का रिस्क अब अगर ब्रेक किया जाए उस बीमारी को उनका रिस्क कम है. सो उनको हम अगर कुछ दिन छोड़ भी देंगे तो हमें इतना खतरा नहीं है. बट मॉडरेट और सिवियर को अगर नहीं ट्रीट किया गया तो इट्स डबल द चांसेस ऑफ अर्ली डेथ इन शॉर्ट. मतलब बाकी चीजें आगे चली जाती. सो दैट इज द रीजन नाउ दे आर सेइंग कि फोकस ऑन मॉडरेट एंड सिवियर. माइल्ड वालों को यू डू बट माइल्ड वालों का है अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ. माइल्ड के साथ अगर आपको फिर भी लगता है कि मैं सुबह काम ही नहीं कर पा रहा तो फिर क्या फायदा. बेटर इज टू यूज द मशीन एंड बी एबल टू वर्क, ठीक है. सो आई थिंक जो कॉन्सेप्ट है ना एज वी गो अलॉन्ग वी हैव टू कीप अंडरस्टैंडिंग द डिजीज और इस डिजीज के बारे में अब और क्या चीजें आ रही. सो देर इज सम न्यू थिंग विच हैज कम जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से. इवन इन कंट्रीज लाइक अमेरिका इट्स वेरी फ्यू सेंटर्स, इंडिया में तो कर आई ही. देर इज अ नर्व स्टिम्युलेटर. तो क्या है कि हमारी जो जीभ है उसका बहुत बड़ा रोल है टू कीप द ब्रीदिंग पैसेज ओपन. अभी कुछ एक्सरसाइजेस ब्रीदिंग की माइल्ड वालों को एक्सरसाइज भी करेंगे तो काफी हेल्प हो जाए. टंग की पैलेट की तो दे कीप द मसल्स टाइट ताकि वो पीछे जाके कोलैप्स नहीं करें. तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक स्टिम्युलेटर बना है. तो
स्टिमुलेटर आप लोगों ने पेसमेकर सुना हुआ है सब। तो पेसमेकर क्या चीज है कि एक तार जाती है हार्ट की तरफ जाती है और एक हार्ट को बीट देती है। तो ये स्टिमुलेटर सेम कॉन्सेप्ट है, एक इस मसल चेस्ट के मसल के अंदर वो बैटरी चल जाती है, एक तार जाके जीभ में जाती है और टंग को कॉन्ट्रैक्ट करती है। सो इट गिव्स लाइक एन इम्पल्स एंड इफ योर टंग रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड एंड टाइट इट विल रिमेन आगे एंड नॉट अलाउ द टंग टू कोलैप्स विच इज अ कॉज ऑफ स्लीप एपनिया। बट दैट इज जस्ट अ न्यूअर मोडालिटी, इट इज अ टेरिबली एक्सपेंसिव मोडालिटी, उसके भी कई क्राइटेरिया है किसको करना है किसको नहीं करना है। मोस्टली दोज पीपल जो सीपैप यूज नहीं कर पा रहे, फेलियर ऑफ सीपैप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। जस्ट दिस इज जस्ट दैट फॉर नोइंग कि हाँ कुछ चीज बन रहा है, हाँ बट नॉट अभी नॉट फॉर कफ वगैरह रहता है जैसे उस वजह से भी और कफ की उससे भी थोड़ा सा ये ब्रीदिंग पैसेज स्टार्ट फ्रॉम द नोज एंड गोज डाउन। सो इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड ऑब्वियसली द ब्रीदिंग पैसेज इज कॉम्प्रोमाइज्ड, सो यू नीड टू स्टार्ट गोइंग फिगरिंग आउट कि हाउ टू ओपन दिस नोज। एलर्जी इज इट पोल्यूशन इज इट साइनस इज इट सम डिविएटेड बोन अंदर फिल्टर बड़े हुए हैं, मतलब उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। वी डिडंट टॉक अबाउट हैबिट्स, सो स्मोकिंग एंड अल्कोहल ये सब वेट की तरह सब खराब करते हैं स्लीप एपनिया। रिसेंटली सॉ अ पेशेंट जो लास्ट तक स्मोक करते हैं, रात को उठ के फिर स्मोक करते हैं, फिर मिडनाइट में फिर स्मोक करते हैं, फिर कहते हैं मशीन मेरे को बहुत तंग कर रही तो मशीन तंग करेगी करेगी, यू नो बिकॉज व्हेन द निकोटीन इज गोइंग इन सारी अंदर इन्फ्लेमेशन कर रही है। यू ड्रिंक टिल लास्ट एंड देन यू हैव अ वेरी बिग डिनर, बटर चिकन बटर नान, गो टू स्लीप, can't use the machine, you can't use the machine because you're trying to push air in, stomach is very full, it will be very uncomfortable. So tabhi hum baar baar kehte hain ki kitne baje khana khana hai, but we kitne baje last drink, kitni amount of drink, cigarette nahi smoke karni, between dinner and bed time 1.5 ghante ka gap hona chahiye, then it's much easier. So it's a continuous process, very dynamic process of working on yourself to get health and wellness. You want to share something?